तो ये देखिए साथियों, अगर आप केदारनाथ आते हैं तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि अभी लैंडस्लाइड हुई है, पहाड़ का मलबा नीचे आ चुका है। अगर आपको दिखाऊं यहाँ से पहाड़ कहीं से गिरा है। बाकी यार मेरा ये मानना है ना, अगर आप केदारनाथ या किसी भी धाम में आ रहे हो तो घोड़े बिल्कुल मत कराओ। अगर आपकी हेल्थ है, स्वास्थ्य है, तभी आओ, अन्यथा आप हेलीकॉप्टर वगैरह ले सकते हैं। आप इन घोड़ों को तंग ना करें। और बात कर रहा था बारिश की, इसी बीच में इतनी तेज़ बारिश आ चुकी है और कुछ नहीं दिख रहा भाई। सामने पहाड़ है पूरे, लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहा। तो अगर आपको यहाँ पर आकर कोई दिक्कत होती है, और इतनी ऊंचाई पर आकर दिक्कत होती है कि सांस फूलना और ये चीज़ें यहाँ पर आम बात है, हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत आप सबका एक और नए ब्लॉग के अंदर। तो आज के इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है पवित्र जगह गौरीकुंड से, जो कि केदारनाथ से लगभग 15 किलोमीटर नीचे है। और सुबह के बज रहे हैं लगभग 4, और सुबह 4 बजे हम अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। ये इधर रास्ता गौरीकुंड का, गौरीकुंड से केदारनाथ, श्री केदारनाथ का रास्ता। डंडा ले लिया ताकि हमें माउंटेन पर चढ़ते हुए कोई दिक्कत ना आए। तो अभी जो आप ये देख रहे हो, ये गौरीकुंड का बाज़ार है। सुबह 4 बजे पूरा बाज़ार खुल चुका है, आप देख पा रहे होंगे दुकानें वगैरह आपको मिल जाएगी खुली। ऐसी लकड़ी ज़रूर लेना साथ में, क्योंकि पहाड़ों पे चलना और भी आसान हो जाता है। बाकी ये कुछ गौरीकुंड का बाज़ार, और अभी थोड़ी सी आगे यहाँ पर चेक पोस्ट है, तो चलते हैं चेक पोस्ट की तरफ। तो एक चीज़ और साथियों, जो कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और वो है कि अगर आप केदारनाथ यात्रा करते हैं तो अपने साथ कुछ गर्म कपड़े अवश्य ले आएँ, क्योंकि जो गर्म कपड़े हैं वो यहाँ बहुत काम आने वाले हैं। अभी तो वैसे भी मानसून चल रहा है, तो बारिश वगैरह बहुत होती है, उसमें भी ठंड होगी। और जब भी केदारनाथ यात्रा करते हैं, अभी 6 से 8 महीनों की जो ये केदारनाथ यात्रा खुलती है उसमें, तो ठंड हमेशा रहती है पहाड़ों की तरफ। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप अपनी यात्रा प्रारंभ करें तो कुछ गर्म कपड़े ले आएँ, और रेनकोट और फ़ोन का कवर नीचे से अवश्य ले आएँ, क्योंकि बारिश का कुछ भी पता नहीं यहाँ पर, बारिश कभी भी आ सकती है। तो साथियों, इस समय मैं पहुँच चुका हूँ गौरीकुंड के चेक पोस्ट पर। तो कुछ ऐसा है गौरीकुंड का चेक पोस्ट, और नीचे से आपको आना है और इस चेक पोस्ट को पार करते हुए अपनी यात्रा को प्रारंभ करना है। हर हर महादेव। तो यहाँ से जो हमारी यात्रा है वो प्रारंभ हो जाती है, और सुबह के 4 बजे हुए हैं, मौसम काफ़ी ठंडा है, और यहाँ से आपकी जो यात्रा है वो प्रारंभ हो जाती है, तो लेकर शिव शंभू का नाम। तो भाई यहाँ पे बोर्ड लिखा हुआ है श्री केदारनाथ 15 किलोमीटर, तो यहाँ से 15 किलोमीटर की चढ़ाई बाकी है, तो चलते हैं। जय श्री केदार, मतलब कि एक अलग ही खुशी है मन के अंदर। सॉरी, देखो ऐसे रास्ते होते हैं, रास्ते देखो आप, बड़े ही उबड़ खाबड़ हैं, मतलब कि मन में बहुत ही खुशी है, कितने सालों से प्लानिंग कर रहे थे और अब जाकर श्री केदारनाथ के दर्शन होंगे। तो चलते हैं ऊपर की तरफ, बाकी आपको ये देखो यहाँ पे खच्चर वगैरह बहुत मिल जाएंगे। तो ये देखिए साथियों, अगर आप केदारनाथ आते हैं तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, तो जो ऊपर पहाड़ है, ये अभी लैंडस्लाइड हुई है, तो ऐसी लैंडस्लाइड्स बहुत होती हैं यहाँ पे। ये देखो कि पहाड़ का मलबा नीचे आ चुका है। अगर आपको दिखाऊं यहाँ से पहाड़ कहीं से गिरा है, और ये सारा मलबा इसका नीचे आ चुका है। ये देखिए, तो अगर आप केदारनाथ ट्रैक पर आते हैं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि यहाँ पर लैंडस्लाइड्स बहुत होती हैं, तो जितना हो सके जो पहाड़ आपके सर के ऊपर आ रहा है उस एरिया से जल्दी निकलने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप अपनी जान अच्छे से सेफ कर पाएँ, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा होती हैं और पहाड़ के टुकड़े छोटे छोटे कभी भी नीचे आके गिर सकते हैं। ये देखिए, और रास्ता कुछ ऐसा है यहाँ का। तो साथियों, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि केदारनाथ यात्रा के अंदर बारिश कभी भी आ सकती है, तो अभी हमने ट्रैकिंग शुरू की थी, कुछ 1 या 1.5 किलोमीटर हमने ट्रैकिंग की है, और ये देखिए बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है।
तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप यात्रा करते हैं तो अपने साथ कुछ ज़रूरत के सामान ज़रूर रख लें। आपका सबसे पहले तो रेनकोट, ताकि आपका सामान और आप भीगे नहीं। फिर कुछ बेसिक दवाइयाँ भी रख लें यार, जैसे कि सर दर्द, उल्टी और इन चीज़ों की, जो कि बहुत आपको काम देगी इस ट्रैक में, क्योंकि सर दर्द, वॉमिटिंग ऐसी चीज़ें बहुत आम चीज़ें यहाँ पे इस ट्रैक में। और लैंडस्लाइड्स का ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है और कभी भी यहाँ पे लैंडस्लाइड हो जाती हैं। तो अभी हम नीचे से आ रहे थे तो हमने देखा था कि एक पहाड़ के बहुत टुकड़े नीचे गिरे हुए थे, और कुछ जो पीछे से लोग आ रहे थे वो भी बता रहे थे कि वो जो टुकड़े थे लोगों को लगते लगते बचे हैं। तो बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, और पहले मैं अपना रेनकोट पहन लेता हूँ, वरना जो मैं और मेरा सामान है दोनों भीग जाएंगे। तो ऐसे कुछ आपको ना ये रेन कवर्स मिल जाएंगे नीचे से ही, 100 रुपये के या फिर 150 रुपये के, ऊपर आओगे तो और महंगे होते जाएंगे। तो आप ऐसे रेनकोट अपने साथ ज़रूर ले आएँ, ताकि बारिश है उसका इतना प्रभाव पड़े ना, क्योंकि अभी मानसून चल रहा है और बारिश यहाँ पर ज़रूर होगी सुबह से शाम तक, और वेदर कंडीशंस में भी ये दिखाया है। तो पहले मैं अपना रेनकोट पहन लेता हूँ। धन्यवाद। चलो रेनकोट हमारे हो चुके हैं तैयार, अब चलते हैं ऊपर की चढ़ाई शुरू करते हैं। तो भाई सुबह के 5 बज चुके हैं, और ये देखो दिन उगना भी शुरू हो चुका है और ट्रैक चल रहा है। बारिश काफ़ी हो चुकी है, रेनकोट पहन लिया हम लोगों ने। जब हम नीचे चले थे ना, तब उस समय भाई बहुत कम लोग थे, जब सुबह हम 3:30-4 बजे चले थे। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है, उगता जा रहा है, भीड़ बढ़ती जा रही है, और सबकी डेस्टिनेशन बस एक ही है, श्री केदारनाथ जी। और हम भी चलते जा रहे हैं इस पावन मार्ग पर। बाकी यार ठंड बढ़ चुकी है, और मैंने देखा कुछ लोगों को सर में दर्द होने लग रहा है, और ये चीज़ें नॉर्मल है पहाड़ों में। तो आओ तो पूरी तैयारी के साथ आना, क्योंकि यहाँ भाई ठंड एक्सट्रीम होने वाली है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ठंड बढ़ती जाएगी। यहाँ पर एक झरना है, ये देखो मार्ग। बाकी लैंडस्लाइड्स का भी आपको विशेष ध्यान रखना है, और ये खूबसूरत नज़ारे देखते हुए आपको ऊपर जाना है। इसीलिए केदारनाथ के ट्रैक को स्वर्ग का ट्रैक कहते हैं। तो हमने कुल 3 से 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई पूरी कर ली है 1.5 घंटे में, और अभी हम रुके थोड़ा चाय वगैरह पीने के लिए, थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि सुबह 4 बजे चले थे और खाली पेट चलना बहुत मुश्किल होता है। बाकी बारिश हो रही है, अच्छी खासी बारिश हो रही है, ठंड काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन हम जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं ना, और भी खूबसूरती बढ़ती जा रही है, और ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत में आ गए हूँ। बाकी ये एक ढाबा पकड़ा हमने, और यहाँ पे हमने सोचा थोड़ी चाय वगैरह पी लेते हैं, और फिर यहाँ से चलेंगे ऊपर की तरफ। बाकी जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी, थोड़ा सर में दर्द होना और वॉमिटिंग जैसा होना आम बात है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप नींबू पानी या फिर कुछ पीते रहें, ताकि जो आपकी डिहाइड्रेशन है वो ना हो और आप डिहाइड्रेशन से बचे रहें। बाकी यही है, धीरे धीरे चलें इस ट्रैक पे, अचानक से तेज़ चलने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप कितना भी तेज़ चल लो आप इसे सीधा पूरा नहीं कर सकते। धीरे धीरे चलें अपनी श्रद्धा अनुसार, और 6 से 8 घंटों में आप आराम से ऊपर पहुंच जाएंगे, आपके अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। बाकी अभी एक चाय पी लेते हैं और फिर चलते हैं वापस ऊपर की तरफ। तो भाई हल्की हल्की बारिश आ रही है, साथ में ट्रैकिंग और ये चाय, अलग ही सुकून है। बाकी हम थोड़ा नाश्ता वगैरह कर रहे हैं, यहाँ पे हमें एक आलू का पराठा पड़ रहा है 50 रुपये का, तो ठीक है थोड़ा नाश्ता करके ऊपर जाना सही रहेगा यार, क्योंकि खाली पेट नहीं चला जाएगा, तो वैसे ही आपकी तबीयत डाउन हो सकती है। थोड़ा नाश्ता वगैरह कर लेते हैं और फिर चलते हैं ऊपर का ट्रैक कंटिन्यू करते हैं। बाकी ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो चलते हैं बस। हमारा नाश्ता आ रहा है, नाश्ता करते हैं और चाय पी के निकलते हैं ऊपर की तरफ। तो यार ये हमारा पराठा है, तो हकी हमें पड़ा है 50 रुपये का, और एक चाय और आ रही है। तो
ये खाते हैं और चलते हैं, थोड़ा नाश्ता वगैरह हो जाए फिर चलते हैं ऊपर की तरफ। तो चलो यार, हमारा नाश्ता वगैरह सब हो गया है और अब हम चल रहे हैं वापस अपने ट्रैक पे। सुबह के बज चुके हैं लगभग 6:30 से 7 और हमने लगभग 4 किलोमीटर का जो सफ़र है वो पूरा कर लिया है। आप देख पा रहे होंगे सामने दिन उग चुका है पूरा, और जैसे जैसे दिन उगता गया वैसे वैसे भीड़ बढ़ती गई। नाश्ता अगर अपना हो गया और रास्ते में आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, झरने, नदियाँ, तो खूबसूरत तो काफ़ी है ट्रैक, बस आपकी हिम्मत करने की देर है। आपने सोच लिया कि केदारनाथ का ट्रैक करना है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको यहाँ पे सारा सामान मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, चाय, नाश्ता और एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह। बस हम भी चल दिए वापस ट्रैक पे। तो यार यहाँ पे हमें ग्लेशियर के सबसे पहले दर्शन हो चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे वहाँ पे हर हर महादेव। थोड़ी देर में आपको ले चलेंगे ऊपर और संपूर्णता दर्शन करवाएंगे। वो देखो ग्लेशियर दिख रहे हैं बिल्कुल साफ। तो यार हमने लगभग 5 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है, यानी कि लगभग 30% एरिया कवर। ये देखिए श्री केदारनाथ, अभी 10 किलोमीटर और बचा है और इधर बेस कैंप आ गए। तो प्राकृतिक सुंदरता को देखते देखते चल रहे हैं। आगे 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 भाई, ये देखो पालकी भी चल रही है यहाँ पे, घोड़े भी चल रहे हैं। बाकी यार मेरा ये मानना है ना, अगर आप केदारनाथ या किसी भी धाम में आ रहे हो तो घोड़े बिल्कुल मत कराओ। अगर आपकी हेल्थ है, स्वास्थ्य है, तभी आओ। अगर आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकता तो आप हेलीकॉप्टर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत मुश्किल है ऐसे चलना। जरा सोच कर देखो कि हम अकेले एक बार ऊपर नहीं जा सकते और ये घोड़े दिन में कई बार ऊपर जाते हैं, तो कितना मुश्किल होगा इनके लिए। हमारे लिए एक बार ऊपर जाना मुश्किल है। तो अगर आप स्वस्थ हैं तभी केदारनाथ आएँ, अन्यथा आप हेलीकॉप्टर वगैरह ले सकते हैं। आप इन घोड़ों को तंग ना करें, मेरा तो यही मानना है। हाँ, अगर कोई बुज़ुर्ग है बहुत ज़्यादा या फिर हालत नहीं है चलने की, बीमार है वगैरह, तो समझ में आता है ट्रैक के दौरान। चलो खैर, यहाँ से 10 किलोमीटर बाकी है हमारा केदारनाथ का सफ़र, और क्या ही सुंदर नज़ारे देखते हैं हम लोग ऊपर जा रहे हैं। हर जगह आपको झरने और ये देखने को मिल जाएगी। तो अभी भाई हम कुछ खाने के लिए रुके हैं यहाँ झरने के पास, सामने उस तरफ झरना है, और कुछ खाने के लिए रुके हैं यहाँ पे भैया के पास। ये आलू देख रहे हैं यार, हम आलू खा लेते हैं क्योंकि अभी समोसे बनने में टाइम लगेगा और हमें ऊपर भी जाना है, तो सोच रहे हैं उबले वाले आलू खा लें। तो थोड़ा बहुत कुछ खा पी के चलते हैं ऊपर की तरफ। बाकी जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ना, ठंड बढ़ती जा रही है, ग्लेशियर दिखते जा रहे हैं, लैंडस्केप और भी सुंदर होता जा रहा है, झरने आ रहे हैं लगातार, ट्रैकिंग और भी सुंदर हो रही है, तो मज़ा आ रहा है। तो ऐसे कुछ आलू मिले हमें, तो खाते हैं और चलते हैं ऊपर की तरफ। तो अभी हमारे भाई साहब है जो, उन्होंने हमें ये मिर्ची दी है, ये है पहाड़ी लाल मिर्ची। मतलब थोड़ी तीखी है खाने में लेकिन अच्छी है, मतलब आलू के साथ आप खाओगे ना तो मतलब थोड़ा कुरकुरापन है इसमें, और पहाड़ी मिर्ची का स्वाद अलग है। मतलब तीखी है थोड़ी, इतनी भी तीखी नहीं है, मज़ा आ गया भैया। मिर्ची काफ़ी, इसका नाम क्या भैया मिर्ची का? पहाड़ की लाल मिर्ची। अच्छा, थोड़ा कुरकुरापन आ रहा है इसमें, है ना? अच्छा, तब तला हुआ है तभी थोड़ा कुरकुरापन है इसमें। तो यार यही सबसे बड़ी खास बात है केदारनाथ ट्रैक की, बगल में झरना चल रहा है, बाहर बारिश हो रही है, छोटे से ढाबे के अंदर आलू उबले हुए और मिर्ची खा रहे हैं। मतलब घर जैसी सुविधाएं तो नहीं मिलेगी आपको यहाँ पे, कि मन किया पकोड़े खा लिए, बना लिए, वो तो नहीं मिलेगा आपको। थोड़ी चीज़ें एक्सपेंसिव भी है यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है, इतना ऊपर लेके आते हैं तो खर्चा भी लगता है, मेहनत भी लगती है, ठीक है। हमें ऊपर आने में इतनी दिक्कत है, लेकिन इतना सामान उठा के ऊपर लाना बहुत बड़ी बात है। मतलब केदारनाथ का जो ट्रैक है उसकी यही सबसे बड़ी खास बात है कि इतनी अच्छी नेचर देखने को मिलेगी, इतने अच्छे लैंडस्केप्स देखने को मिलेंगे आपको, इसी वजह से जन्नत कहते हैं इसे। बाकी हमने हमारे आलू खा लिए, भैया बहुत बढ़िया थे आलू, थैंक यू, बहुत बढ़िया थे। वो उधर झरना चल रहा है और हमें अब यहाँ से होते हुए ऊपर निकलना है, तो चलते ऊपर। भैया नाम क्या आपका? मेरा करण। करण कहाँ से हो, लोकल ही हो? मैं नेपाल। नेपाल से हो, नेपाल में कहाँ से? पोखरा। पोखरा मेरा दोस्त रहता है,
पहले नेपालगंज रहता था, फिर पोखरा चला गया। सही है, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर है। उसको नेपाल का स्विट्जरलैंड कहते हैं, पोखरा को। बहुत सुंदर है, बर्फ़ गिरती है वहाँ बहुत। तो ये देखो भाई, भैया मिल गए नेपाल से हमें। अब चलते हैं ऊपर, हमारी जो ऊपर जाने की यात्रा है वो शुरू करते हैं। थैंक यू भैया एक बार फिर से। तो अभी हम यहाँ पर एक गांव में आ चुके हैं जिसका नाम है भीमबली, और यहीं पर आपको जो विश्राम गृह है वो भी देखने को मिल जाएंगे, बरसाती विश्राम गृह या शेल्टर कह सकते हो आप इसे। जब भी एक्सट्रीम वेदर या फिर बारिश होती है तो यहाँ पर आपको शेल्टर्स देखने को मिल जाएंगे, आप यहाँ रुक सकते हो। और यहाँ से होते हुए, इस गांव से होते हुए पूरा रास्ता आगे तक निकलता है। बाकी हमारी ट्रैकिंग एकदम बढ़िया चल रही है और धीरे धीरे हम चल रहे हैं श्री केदारनाथ जी की तरफ। और यहाँ पर जो है वेदर कंडीशंस हमेशा ही एक्सट्रीम रहती है, चाहे फिर वो मानसून हो, मानसून में बारिश हो जाती है, और जब ठंड होती है तब यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, जिसकी वजह से यहाँ लैंडस्लाइड्स हो रही है, तो बहुत ही आम बात है। और ये देखो, ऐसे सुंदर सुंदर झरने आपको हमेशा देखने को मिल जाएंगे। तो चलो चलते हैं आगे की तरफ। तो अभी हम जो गांव था ना पीछे, उसको क्रॉस करके आगे आ चुके हैं, और मैं आपको यहाँ से नेचर की ब्यूटी दिखाऊँ तो सामने ग्लेशियर्स देखने को मिल जाएंगे आपको, और वहाँ से निकलती हुई ये नदी कह लो, झरना कह लो, ये जाता है सीधा नीचे की ओर। और क्या ही खूबसूरत लग रही यार ये घाटी। तो करीब 5 घंटे की चढ़ाई के बाद हम लोग इतना ऊपर आ चुके हैं, केदारनाथ मात्र यहाँ से 7 किलोमीटर बचा है, और मैं आपको ग्लेशियर दिखाता हूँ। मतलब ये ग्लेशियर देख के ना मेरी सारी थकावट दूर होगी। ये लो, मैं आपको ग्लेशियर दिखाता हूँ, वो देखो सामने, क्या ही वाह, क्या ही व्यू है। वहाँ बैठे हैं हमारे महादेव, मात्र 7 किलोमीटर और। तो यार 6 से 7 घंटे की ट्रैकिंग करने के बाद फाइनली हम पहुँच चुके हैं रामबाड़ा। और रामबाड़ा से जो केदारनाथ की दूरी है वो महज 4 ही किलोमीटर है, ठीक है, लगभग आप मान लो 2-2.5 घंटे का सफ़र और है। और रामबाड़ा के अंदर आपको ना मेडिकल कैंप देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ तक चढ़ते चढ़ते ना बहुत सी लोगों की हालत सीरियस हो जाती है, जैसे कि सांस फूलना, उल्टी आना, या फिर होठ नीले पड़ जाना, ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है, और सर में दर्द होना, और ये चीज़ें बहुत होती है। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है ना, तो आप यहाँ पे मेडिकल कैंप है, तो मेडिकल कैंप के अंदर आप अपना इलाज करवा सकते हो, आपको ऑक्सीजन की सप्लाई भी यहीं मिल जाएगी। बाकी मैं आपको एक बार व्यू दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा व्यू है यहाँ से, और यहाँ ऊपर की तरफ वो कैंप है। तो चलो कैंप की तरफ चलते हैं, और यहाँ पर आपको ऑक्सीजन की सप्लाई भी मिल जाएगी, ऑक्सीजन के जो कैन हैं वो भी मिल जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की तरफ से। तो अगर आपको यहाँ पर आकर कोई दिक्कत होती है, और इतनी ऊंचाई पर आकर दिक्कत होती है कि सांस फूलना और ये चीज़ें यहाँ पर आम बात है, तो आप यहाँ पर जो मेडिकल कैंप है वहाँ जा सकते हो। बाकी मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई अब तक, हाँ थोड़ा पैरों में दर्द है। बाकी व्यू देखो, पूरा केदार घाटी दिख रहा है यहाँ से, ऊपर हेलीकॉप्टर जा रहा है भाई। चलो चलते हैं आगे की तरफ, मैं आपको एक बार ना मेडिकल कैंप भी दिखा देता हूँ, अगर कभी आप यहाँ पर आओ तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। तो मैं अभी बात ही कर रहा था टेम्परेचर की, और बात कर रहा था बारिश की, इसी बीच में इतनी तेज़ बारिश आ चुकी है, आप ये देखो। बाकी अभी यहाँ से हमने दवाई ली है भाई के लिए, उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो आप यहाँ से दवाई ले सकते हो। बाकी आप मौसम चेक करो, ज़ोरों शोरों से बारिश आ रही है, और कुछ नहीं दिख रहा भाई, सामने पहाड़ है पूरे, लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहा, और इधर भी कुछ नहीं है, बारिश भाई बहुत ज़ोर से। हमें थोड़ी देर रुकना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि इस बारिश में जाना बिल्कुल सेफ़ नहीं है, क्योंकि मौसम भी ख़राब हो रहा है, और ऊपर से बारिश दिखाता हूँ आपको। तो अभी बस हम निकले थे, थोड़ी सी आगे चले थे, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि जाना मुश्किल है। तो हम थोड़ी देर रुक चुके हैं इस शेल्टर के नीचे, ताकि थोड़ी बारिश कम हो जाए, ताकि फिर हम वापस कंटिन्यू कर सकें। बाकी बारिश देख लो यार, पहाड़ पूरे कवर हो चुके हैं, बारिश इतनी एक्सट्रीम हो रही है, लेकिन फिर भी यात्रा नहीं रुक रही। और पहाड़ देखो कितने ज़्यादा घने हो चुके हैं, उनके ऊपर पूरी बर्फ़ की ये चादर सी बिछ चुकी है भाई, ये पूरी बादलों की। और जो पहाड़ जहाँ से दिख रहे थे वो अब दिख ही नहीं रहे, सबके सब यहाँ बैठे शेल्टर लेके, कुछ लोग यात्रा कर रहे हैं अभी भी, पर यार बुरा तो मुझे इनके लिए लगता है इतनी ठंड में। तो बस हम केदारनाथ से
मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पे है और पीछे बर्फ का इतना बड़ा ये पूरा आप नदी कह सकते हो, नदी आई हुई है वो देखो, एकदम एकदम ऊपर से आ रही है और एकदम नीचे तक। ये वाटरफॉल है वैसे तो, पर नदी से कम नहीं है। और सामने का व्यू देखो, पूरी घाटी में बारिश हो रही है, बर्फ देखो भाई बहुत ठंड है, ये देखो मज़ा आ गया भाई, ये पूरा बर्फ़ का बना हुआ है। बाकी ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रखी है, मैं जा रहा हूँ सीधे यहाँ से आगे की तरफ और सीधा आप केदारनाथ मिलते हैं अब। तो यार फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ केदारनाथ, मतलब केदारनाथ से बस थोड़ा सा दूर हूँ, क्योंकि केदारनाथ के अंदर यार टेंट वगैरह होटल वगैरह बहुत महंगे थे, लेकिन बाहर मैंने थोड़ी बार्गेनिंग कर ली, मुझे थोड़े सस्ते पड़ गए। तो मैं अपने जो टेंट है उसका आपको एक बार टूर दे देता हूँ। तो ऐसा कुछ आपको टेंट मिलेगा, तो ऐसा कुछ आपको टेंट मिल जाएगा जब इसे खोलोगे ना, तो ये देखो अंदर चार्जिंग पोर्ट है, लाइट है, स्लीपिंग पॉड्स हैं, मतलब कि आपको अच्छी व्यवस्था मिल जाएगी अपने सामान वगैरह को रखने की। तो मेरे हिसाब से यार केदारनाथ में सबसे बेस्ट है ये, क्योंकि यहाँ पर अगर आप होटल रूम भी लोगे ना तो वो बेसिक सा ही मिलेगा और उसके प्राइस यार 2 से 3 हज़ार तक जाते हैं। अभी मैं जस्ट इस टेंट के अंदर आया हूँ और टेंट यार काफ़ी अच्छा है, मान लो नीचे भी बिछा अच्छा रखा है, स्लीपिंग पॉड्स भी मिले हुए हैं और बारिश से भी सिक्योरिटी है, सामान भी अच्छे से हमारा आ गया है। तो टेंट हमें पड़ा लगभग 500 रुपये का 2 लोगों के लिए, अभी ऑफ सीजन है इसलिए, ऑन सीजन तो यार ये 500 रुपये पर पर्सन रखते हैं और एक टेंट में 3 से 4 लोगों को घुसा देते हैं, तो ठीक है। मतलब केदारनाथ के अंदर तो यार मंदिर में के आसपास ना जो होटल है वो 2-2, 3-3 हज़ार के हैं, उतना तो यार अफोर्ड देखो बहुत मुश्किल से होगा। तो मैंने सोचा कि टेंट ट्राई कर लेते हैं, आज से पहले कभी मैं टेंट में रुका भी नहीं हूँ, जो स्लीपिंग पॉड्स है उनमें सोया भी नहीं हूँ, तो मैंने कहा साथ में ये दोनों एक्सपीरियंस भी हो जाएंगे और साथ में अगर चीपेस्ट मिल रहा है तो क्या ही दिक्कत है। बाकी मैं थोड़ा सा आपको ना टूर दे देता हूँ। तो ये हमारा टेंट है, तो ये हमारा टेंट है, यहाँ से हमारी एंट्री हुई थी, ये खोल के पूरा उधर साइड में हमने सामान डाल दिया और इधर हमारे बैग वगैरह आ गए और ऐसे कुछ स्लीपिंग पॉड्स है और ऐसे इन्होंने 3-4 स्लीपिंग पॉड्स दे रखे हैं, 1, 2 और 1 इधर है 3, तो इन्होंने 3 स्लीपिंग पॉड्स दे रखे हैं। बाकी यार अच्छा खासा टेंट है, अच्छा खासा स्पेस है, 2 लोगों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, चार्जिंग के लिए पोर्ट दे रखा है, ऊपर लाइट दे रखी है, तो मेरे हिसाब से 2 लोगों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाकी आज के स्लॉग का करता हूँ यहीं पे एंड, नेक्स्ट स्लॉग के अंदर आप कराऊंगा केदारनाथ जी के दर्शन और उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले ब्लॉग के अंदर, अंटिल देन बाय बाय।